वैस्कुल हमीरपुर के मैदान में प्राइवेट मेला लगाने के विरोध में व्यापार मंडल हमीरपुर का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त उपायुक्त रूपाली ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री वी वदत सिंह को मैदान में मेले का आयोजन प्रतिबद्ध करने के लिए शिकायत पत्र सौंपा। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बीते कुछ दिन पहले शाम के समय सामान से भरी हुई गाड़ियां मैदान के अंदर खड़ी हो गई हैं। गाड़ियों में आए लोग मैदान में मेला लगाने की तैयारियां शुरू करने लगे हैं। इसे देखकर स्थानीय दुकानों ने उन्हें मैदान में मेला लगाने को मना किया और गाड़ियों को वहां से हटाने की अपील की। विरोध के चलते पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाहर से आए व्यापारियों की गाड़ियों को मैदान से हटवा दिया। अध्यक्ष ने शिकायत की है कि मैदान में मेले न लगवाने का मुख्य कारण मैदान के साथ स्कूल का होना है। मेले से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और बच्चों का ध्यान झूलों और दुकानों की तरफ रहेगा। वहीं मैदान के बाहर शहर के स्थानीय व्यापारियों की दुकानदारी मेले से ठप हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने स्कूली मैदान में ऐसे कार्यक्रमों की पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अगर प्राइवेट मेले या डोम लगवाने ही है तो उन्हें पुलिस लाइन ग्राउंड दुसड़का में लगवाएं। उधर अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की अतिरिक्त उपायुक्त ने आगामी सोमवार तक स्टे कर दिया है। सोमवार को उपायुक्त हमीरपुर इस मामले में फैसला लेंगे। इस मौके पर अश्विनी जुगोता, पार्षद अश्विनी शर्मा, संदीप भारद्वाज, तरुण वरुण आदि मौजूद रहे। यहाँ के स्थानीय व्यापारी चाहते हैं कि ये मेला ना लगे। उसका रीजन है कि ये बाहर के लोग आकर के घटिया वस्तुएं घटिया रेट में बेच जाते हैं, जिसका ग्राहक के ऊपर बुरा असर रहता है और हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ता है। हमारी दुकानदारी इनके द्वारा बदनाम होती है और पहले ही दुकानदार लोग जो यहाँ के हैं वो लॉस में चल रहे हैं, दुकान का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि पहले सीजन नहीं था, अब सीजन के दिन आने शुरू हुए हैं, तो हम अगले दो तीन महीनों में जो कार्य करते हैं उसमें एक साल का हमारा जो है काम होता है, तो उन दिनों में ये आ जाते हैं। तो अगर इन दिनों में ये यहाँ काम करेंगे तो हमारा पूरे साल का कामकाज खत्म हो जाता है। और ये मेला वगैरह जो भी है, हम तो ये भी चाहते हैं जैसे हमीर उत्सव है तो वो भी, मतलब ये है कि हमने पहले भी एक पत्र द्वारा चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह जी को भी, मतलब ये कि लिखा है कि ये मेले कोई भी, ये जो मेले ज्यादा खर्च वाले हैं नहीं होने चाहिए। हाँ, हम एडीसी मैडम के पास गए थे, एडीसी मैडम ने पूरी बात समझी है। उनका कहना है कि अभी जैसे अपना डीसी साहब आते हैं तो उनसे बैठ के, मतलब यह कि बात करेंगे और फिर कोई हल निकालते हैं। हमारी तो प्रार्थना ही रहेगी प्रशासन से कि वो, मतलब यह कि हम छोटे व्यापारियों को देखते हुए हमारे भले के लिए ऐसा ना करें और मेला जो है ना लगे। हमारा फिर हम आपस में बैठ के नई रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें अगला प्रोग्राम उसी वक्त हम बता सकते हैं जब हमारी कोई नई रणनीति इसके बारे में बनती है। इधर से साफ हमें इनकार आ जाता है, तो हम तो पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मेला हुआ तो हमको आश्वासन दिया गया कि इस बार लगाएंगे और अगली बार नहीं लगाएंगे। तो पिछली बार भी परेशानी हुई, हम पूरा साल मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और अब जब कमाने का टाइम आता है, हमारी कमाई का टाइम आता है तो मेला आ जाता है, लोग इकट्ठा सामान ले लेते हैं मेले से, जिससे हमारा बिजनेस जो है ठप हो जाता है। उपायुक्त महोदय नहीं आ जाते, वो शिमला गए हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तो उसके तब तक मैं स्टे लगवा देती हूँ। यहाँ पर हो नहीं लगने देंगे, जिसके लिए हमें अपने पेट के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं हम।